आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजिशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धुरहर में। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे रहस्यमय किले की दास्तान जिसे कुबेर का खजाना भी कहा जाता है, जहां 900 से ज्यादा बावड़ियां हैं। किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इस किले में बनी बावड़ियों का पानी जिसका इस्तेमाल किसान फसलों के लिए करते हैं। ये किला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। आखिर क्या है बावड़ियों के गढ़ देवगढ़ की कहानी, आइए देखते हैं। कहते हैं कि छिंदवाड़ा जिले में स्थित ऐतिहासिक देवगढ़ जिले में पारस पत्थर छिपा हुआ है। किले में बना मोती टांका नाम का तालाब साल भर पानी से भरा रहता है। लोगों में किंवदंती है कि इसमें पारस पत्थर है, लोहा फेंकने पर यहाँ सोना बन जाता है, लेकिन लोहा फेंकने के बाद उसे निकालना संभव नहीं है क्योंकि टांके की गहराई का अंदाजा किसी को भी नहीं। वहीं किले के अंदर ऐसे कई रहस्य हैं जिन पर से कभी पर्दा नहीं उठा। तो आइए जानते हैं देवगढ़ किले का इतिहास। देवगढ़ किला छिंदवाड़ा जिले से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर 650 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर है, जिसे देवगढ़ किले के नाम से जानते हैं। ये छिंदवाड़ा जिले का एकमात्र ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला किला है। ये किला घने जंगलों के बीच है, साथ ही चारों ओर गहरी खाई से घिरा हुआ है। इस किले का निर्माण 15वीं-16वीं सदी में गोंड राजाओं के जरिए किया गया था। देवगढ़ किला मध्य भारत में गोंडवाना साम्राज्य के वैभव और समृद्धि से जुड़ा। देवगढ़ किले का इतिहास आज भी अपनी गौरवशाली विरासत को दर्शाता है। देवगढ़ किले के बारे में कोई ज्यादा लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन बादशाह नामा और मुगलों के साहित्य में देवगढ़ वर्णन मिलता है। अकबर के समय देवगढ़ पर जाटवा राजाओं का राज्य हुआ करता था। पहाड़ी पर विशाल किला निर्माण की अभूतपूर्व शैली और प्रकृति के बीच होने से इस किले की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। देखने मात्र से पता चलता है कि अपने समय में कितना वैभवपूर्ण रहा होगा। किले के आसपास कई जल संरक्षण की प्राचीन प्रणाली आज भी जीवंत है। कहा जाता है कि किले के चारों ओर सैकड़ों बावड़ी और कुएं हैं, जिनमें से कुछ अभी ज्ञात हैं और बाकी की खोज अभी जारी है। इस किले के बारे में ऐसा माना जाता है कि देवगढ़ को नागपुर से जोड़ने के लिए एक गुप्त भूमिगत मार्ग हुआ करता था, जिसका उपयोग आपातकाल में राजाओं के बचने के लिए किया जाता था। देवगढ़ किला गोंड वंश के राजाओं की राजधानी के लिए प्रसिद्ध है। देवगढ़ का साम्राज्य लगभग पूरे मध्य भारत में फैला हुआ था। देवगढ़ पर राज्य करने वाले प्रमुख राजाओं में प्रतापी राजा जाटवा शाह, राजा ध्रुवा, राजा कोकशाह और इनके अलावा वहां इस्लामिक आगमन का भी प्रभाव देखा गया है, जो दर्शाते हैं कि इन गोंड राजाओं के बाद देवगढ़ पर इस्लामिक बादशाहों ने भी राज किया है। यहां राज्य करने वाले राजाओं में प्रमुख जाटव शाह सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इतिहास में कई जगह उनका वर्णन मिलता है, जिससे साफ पता चलता है कि उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था और वो एक प्रभावी राजा थे। वहीं इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद जामिन ने बिना सम्राट अकबर की अनुमति के देवगढ़ पर सन 1584 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। जाटवा शाह ने मोहम्मद जामिन का स्वागत किया, उसको नजर भेंट की और भविष्य में उसके आदेशों के पालन का वचन दिया, लेकिन मोहम्मद जामिन ने करार का उल्लंघन कर लालच और मोह के मद में अंधा होकर सेना समेत हरियागढ़ पर आक्रमण कर दिया और हरियागढ़ को उसने जमकर लूटा। शायद सन 1584 ईस्वी का ये आक्रमण ही हरियागढ़ के पतन की कहानी है।
हरियागढ़ लूटने के बाद वापस लौटते समय मोहम्मद जामिन ने देवगढ़ को भी जमकर लूटा और जंगली मार्ग से वापस हुआ। वापसी में जंगली मार्ग में जाटवा शाह ने मोहम्मद जामिन पर आक्रमण कर उसे मार डाला। राजा जाटवा शाह ने मुगल बादशाह अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन गढ़ शासकों के अधीन वह कभी नहीं रहा। आईने अकबरी में लिखा है कि जाटवा शाह सन 1590 ईस्वी में राज करता था। मेमोरीज ऑफ जहांगीर में जाटवा शाह के संबंध में ये लिखा है कि सम्राट जहांगीर अपने शासनकाल के 11वें वर्ष सन 1616 ईस्वी में अजमेर से मालवा आया था। मालवा की सीमा पार करते समय जाटवा शाह ने सम्राट जहांगीर को दो हाथी भेंट स्वरूप दिए। इससे स्पष्ट होता है कि जाटवा शाह एक प्रभावशाली राजा था। इसके खुद की टकसाल थी जहां धातु के सिक्के छापे जाते थे, जिसमें महाराजा जाटवा शाह के नाम से तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। राजा जाटवा शाह ने 50 साल तक यानी सन 1600 ईस्वी तक राज्य किया। किले में प्रमुख रूप से देखने के लिए मोती टाका, प्राचीन चंडी मंदिर, कचहरी और नक्कार खाना है। इस जगह की खूबसूरती आप इस किले में जाकर देख सकते हैं। अजय द्विवेदी, IBC 24, छिंदवाड़ा। वाकई देवगढ़ किले की महानता और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सचमुच अद्भुत है। यहाँ से पहाड़ों का मनोरम नजारा आप देख सकते हैं, जो कि मन को सुकून दे जाएगा। जब आप देवगढ़ पहुंचे तो किले के अलावा वहाँ कौन कौन सी पर्यटक स्थल देख सकते हैं, यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। देवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। यह किला छिंदवाड़ा जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर होगा। किला छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ गांव से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इस किले तक अपने वाहन से आ सकते हैं। आप यहां पर बाइक से या फिर कार से भी आ सकते हैं। इस किले तक पहुंचने के लिए आपको करीब 1 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। देवगढ़ किले तक पहुँचने का रास्ता बहुत अच्छा है और किले के रास्ते में दोनों तरफ आपको घने जंगल देखने को मिल जाते हैं। ये किला चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों और गहरी खाई से घिरा हुआ है। ये किला पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। किले में आपके देखने के लिए मोती टाका, बादल महल, कचहरी और नक्कार खाना है, जो सैलानियों के साथ ही चित्रकारों को भी खींच लाता है। चित्रकार यहाँ आकर कैनवास पर खूबसूरत तस्वीरें यहाँ की कला एवं संस्कृति को उकेरने का काम करते हैं। देवगढ़ किले के साथ मैंने आजू बाजू का जो गाँव है वहाँ पे भी घूमा। वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स के लिए मुझे कुछ अलग टाइप के कुछ आर्किटेक्चर कुछ फॉर्म्स मिले, कुछ मंदिर, कुछ बावड़ियाँ, कुछ आदिवासी टाइप के कुछ घर, वो वहाँ के लोग, उनकी जो पहनने की ड्रेपरी सब अलग था। तो मैंने सोचा कि देवगढ़ के ऊपर पेंटिंग्स बनाए जाए, तो मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाए और मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक सीरीज हो पेंटिंग्स की जो लोगों तक पहुँचे। वैसे इस जगह की खूबसूरती आप किले में जाकर देख सकते हैं। कहते हैं कि नक्कार खाना की छत पर सिपाही तैनात होते थे, जो किले के अंदर चारों ओर की चौकसी करते थे। नक्कार खाना में वादक मौजूद होते थे, जो राजा के आगमन पर मधुर ध्वनि बजाकर अभिनंदन करते थे। वहीं कचहरी में राजा का दरबार लगा करता था। यहाँ बने मंच पर राजा और दरबारी बैठा करते और जनता मंच के सामने खड़ी होकर राजा के सामने अपनी समस्याएं बयां करते और राजा उनका निवारण। इस मंच की छत लकड़ी के सुंदर स्तंभों पर आधारित रही होगी, जो कि अब समय के साथ अस्तित्व में नहीं है। हमाम कक्ष राजा रानी के मनोरंजन के लिए निर्मित किया गया था। इसके मध्य में स्थित फव्वारा इस कक्ष की शोभा बढ़ाता है। वहीं देवगढ़ के किले में एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे स्थानीय लोग चंडी मंदिर कहते हैं। यहाँ पर दशहरे के समय विशेष पूजन का आयोजन किया जाता होगा। कहा जाता है कि चंडी देवी जाटव की कुल देवी है और अभी उनके वंशज यहाँ साल में एक बार पूजा करने जरूर आते हैं। साथ ही देवगढ़ के किले में आपको एक मस्जिद भी देखने को मिल जाती है। कहते हैं कि राजा जाटव की मृत्यु के पश्चात उनके प्रपौत्र महाराज कोकव द्वितीय के पुत्रों में देवगढ़ के शासन करने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया,
जिसके फलस्वरूप उनके पुत्र बख्ती गद्दी पाने के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब की सहायता लेकर देवगढ़ का राज्य प्राप्त किया। इस सहायता के बदले उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और बख्त बुलंद शाह की उपाधि धारण की और इसी अवसर पर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। वहीं देवगढ़ के किले में आपको एक तालाब भी देखने को मिलता है जिसे मोती टाका भी कहा जाता है। इस किले में पानी की सुचारू व्यवस्था थी। यहाँ पर पानी को एकत्र करने के लिए बहुत सारे तालाब और कुएं बनाए गए थे। इन तालाबों में मोती टाका फेमस है। लोगों में किंवदंती है कि इसमें पारस पत्थर है, लोहा फेंकने पर सोना बन जाता है, लेकिन लोहा फेंकने के बाद उसे निकालना संभव नहीं है क्योंकि टाके की गहराई का अंदाजा किसी को नहीं। बताया जाता है कि रात के समय आज भी यहाँ तेज आवाजें आती हैं। वैसे देवगढ़ का किला अपने रहस्यों और खूबसूरत इतिहास के लिए जाना जाता है। पर्यटकों को लुभाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं। एक मल्टीपर्पज सेंटर बनाया जाए जिसमें एक म्यूजियम हो, जिसमें एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर हो, जिसमें एक रेस्टोरेंट हो और इसके अलावा कुछ हितग्राहियों को चयनित करके उनके यहाँ होम स्टे बनाने की योजना है, जिसमें कि जब टूरिस्ट आएंगे तो उनको एक रूरल फील मिल सके, जिसमें उनको गांव में रहने का एक अनुभव मिले, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट और टूरिज्म, ये तीनों को मिला के ये योजना है जिसके लिए हमारी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से बात चल रही है और वहाँ का जो ऐतिहासिक जो धरोहर हैं उनको भी देखना पसंद करेंगे पुराने, तो सिर्फ एक खंडहर के रूप में ना रहकर उसका थोड़ा अगर जीर्णोद्धार होता है तो वो भी एक अच्छा अनुभव होगा टूरिस्ट के लिए, तो उसके लिए भी योजना है। वैसे सुविधाओं की कमी के चलते यहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं जिसके लिए प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। वहीं शिल्पकारों का मानना है कि अगर सरकार और पुरातत्व विभाग इस पर ध्यान दे तो ये बेहतरीन पर्यटन स्थल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि नागपुर से हम लोग बहुत करीब हैं और ट्रांसपोर्ट की सुविधा आज सब जगह है। पर्यटन के लिए जो सबसे मूलभूत संरचनाएं होती हैं, रोड और रुकने ठहरने की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्थाएं छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के आसपास पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है देवगढ़ और पातालकोट, और यहाँ के जो आसपास प्राकृतिक जो झरने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छिंदवाड़ा में अभी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वैसे तो इस किले में लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं। अब उनके अवशेष ही बचे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और अपने पुराने समय को याद कर सकते हैं। प्रशासन को भी समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए, वरना ये ऐतिहासिक किला खुद ही एक इतिहास न बन जाए। अजय द्विवेदी, IBC 24, छिंदवाड़ा। देवगढ़ के राजवंश ने विश्व पटल पर भी अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया। जी हाँ, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अपने शासनकाल पे राजा जाटवा शाह ने अपनी प्रजा और सेना की जलापूर्ति के लिए 800 कुएं और 900 बावड़ियों का निर्माण करवाया था, जो इस राजवंश की वैभवशाली इतिहास की कहानी को बयान करती है। देवगढ़ में जनश्रुतियों में एक कहावत प्रचलित है कि देवगढ़ में 800 कुएं एवं 900 बावली थी। दूसरी कहावत प्रचलित है कि देवगढ़ खसला नागपुर बसला। जी हाँ, राजा जाटवा शाह ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा एवं सेना की जल आपूर्ति की व्यवस्था गर्मी के दिनों में भी सुचारू रूप से बनी रहे, इस लिहाज से देवगढ़ और उसके आसपास 800 कुएं एवं 900 बावड़ियों का निर्माण करवाया था। कहा जाता है तत्कालीन राजाओं ने इतनी शिद्दत से जो जल संरचनाएं बनाई थी, निश्चय ही उनके जल के प्रति आकर्षण, समर्पण और महत्व को दर्शाता है। विश्व के किसी भी राज्य में इतनी बड़ी संख्या में बावड़ियों का निर्माण, वो भी एक सीमित क्षेत्र में करवाना, एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करता है। केवल 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर हमने तकरीबन 70 से 80 बावड़ियाँ ऑलरेडी चिन्हित कर ली हैं, और इनका एक खास पैटर्न है, एक खास तरह के वाटर एक्वाफर को ये कैच करते हैं और उसके बेसिस पे बने हुए हैं। उसके अलावा इनका जो आर्किटेक्चरल वोकेबलरी है,
वो भी काफ़ी एक तरह से हम ये कहें कि अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग वोकेबलरी यूज़ की गई है। कहीं पे स्क्वायर बाउंड्रीज हैं, कहीं पे लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्रीज हैं, कहीं पे ऑक्टागनल बाउंड्रीज हैं, और इनकी क्षमता भी अलग अलग है हर एक बाउंड्री की। तो हम ये समझते हैं कि ये देवगढ़ जो इलाका है, जो वैली है पूरी, एक समय में काफ़ी समृद्ध सेटलमेंट रहा होगा। ऐतिहासिक देवगढ़ की बावड़ियाँ भारतीय भूमिगत ढांचे की अनोखी मिसाल है। बड़ी बड़ी बावड़ियाँ देवगढ़ किले के चारों तरफ दिखाई देती हैं। ये बावड़ियाँ देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं, जो कि गोंड राजा जाटवा शाह और बुलंद शाह की वैभवशाली इतिहास की कहानी बयां करती हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार 900 कुएं और 800 बावड़ियाँ बनाई गई थी, जिनके माध्यम से राजवंश में निवासरत जनता को पानी मुहैया हुआ करता था, जिसकी मिसाल आज भी देखने को मिलती है। शासकों द्वारा जो बनाई गई बावलियाँ थीं, उन्हें अगर यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, अगर वो उन्हें देखेंगे तो वो बिल्कुल उसी काल में चले जाएंगे जिस काल में वो बनी थी। इतनी सुंदर और इतनी अच्छी बावलियों की संरचनाएं छिंदवाड़ा के देवगढ़ में हैं। यहाँ माना जाता है कि 900 कुएं और 800 बावलियाँ थीं। अभी तो 90-99 के करीब करीब बावलियाँ यहाँ पर मिली हैं, और कोशिश की जाएगी, अगर प्रशासन कोशिश करता है तो बाकी भी जो बावलियाँ हैं उन्हें ढूंढा जा सकता है। लेकिन वक्त के सितम के कारण ये बावलियाँ तकरीबन 400 साल से मिट्टी पत्थर की परतों के तले दबे रहे। अब इनके पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। इनकी सूरत सवार कर पुराने जमाने की चमकती धरोहर के रूप में इन्हें पुनः स्थापित करने और सवारने का काम जिला प्रशासन पिछले एक साल से कर रहा है। कोरोना वायरस के दौरान जब अप्रवासी मजदूर खेत में वापस लौटे थे, तब इन्हें काम देने के उद्देश्य से देवगढ़ के समीप बावड़ी और कुएं की जीर्णोद्धार का काम प्रारंभ किया गया था। देखते ही देखते 90 से अधिक बावड़ी तथा 15 कुएं का पुनर्निर्माण हुआ है, जिनका उपयोग ग्रामीण अब खेतीबाड़ी तथा पीने के पानी के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व में वहाँ काफी सारी बावड़ियाँ बनाई गई थी जो लोगों के पानी के जरूरतों को पूरा करती थी। तो पूर्व में यहाँ पे उन बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें काफी बावड़ियाँ जो है वो अब ठीक स्वरूप में आ गई हैं। कोशिश तो हमारी यही है कि बड़े पर्यटन क्षेत्र के रूप में हो, जिसमें जिसका जो मेनली रूरल एक एक्सपीरियंस, जो रूरल स्टे, उसको लोग फील करने के लिए वहां पे आए। कहा जा सकता है जिस तरह से तेजी के साथ जिला प्रशासन देवगढ़ किले को सहेजने का प्रयास कर रहा है, निश्चय ही धरोहर के लिहाज से देवगढ़ और भी समृद्ध होगा और विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपनी खास जगह बनाएगा। अजय द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24 छिंदवाड़ा। वाकई देवगढ़ अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है, और इसलिए छिंदवाड़ा के पतालकोट के बाद अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देवगढ़ को चुना गया है। कहा जा सकता है कि देवगढ़ के लिए जो कार्य योजना तैयार की गई है, अगर उस पर सही अमल हुआ तो कुछ वर्षों में यह स्थान पर्यटन का मुख्य केंद्र बन जाएगा। जरा सोचिए, अगर आपको 400 वर्ष पुरानी परंपरा को देखने और समझने का मौका मिले तो भला कैसा होगा? होगा ना अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय। और इसी दृष्टि से देवगढ़ किले का जीर्णोद्धार करने तथा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है। देवगढ़ का किला 16वीं शताब्दी का है। किला निर्माण के साथ किले के आसपास कुएं व बावड़ियों का निर्माण हुआ था। अपनी पहचान खो चुकी बावड़ियों को पहचान दिलाने जिला प्रशासन ने कार्य योजना तैयार की थी और इन्हें खोजा गया तथा इनका कायाकल्प भी किया गया। 50 बावड़ियों को चिन्हित कर कायाकल्प किया गया और जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया। वर्तमान में ये बावड़ियां आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। जिला प्रशासन ने इन बावड़ियों का कायाकल्प मनरेगा के तहत कराया है, जिसे देखने लोग लगातार पहुंच रहे हैं।
इन बावड़ियों में जो जल संरचनाएं हैं उस पर भी लगातार अध्ययन किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन और पर्यटन विकास निगम की टीम देवगढ़ क्षेत्र का मुआयना कर संभावनाओं की तलाश कर रही है, जिसे आगामी समय में देवगढ़ को मूल रूप में देखने का अवसर पर्यटकों को मिलेगा और यहां पर अन्य व्यवस्थाओं को विकसित किया जाएगा। हेरिटेज साइट के रूप में देवगढ़ को विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्य योजना इस तरह से तैयार की जाएगी जिससे देवगढ़ के इकोलॉजिकल सिस्टम को नुकसान ना पहुंचे। प्रशासन द्वारा ये सोचा गया कि क्यों ना वहाँ पे जो ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, जो उनको उनके साथ इसको जो पिक्चरेस्क अपना जो वहाँ का व्यू है उसको एक साथ सम्मिलित करते हुए योजना बनाई जाए। तो उसके तहत योजना ये है अभी कि वहाँ देवगढ़ में एक मल्टीपर्पज़ सेंटर बनाया जाए, जिसमें एक म्यूज़ियम हो, जिसमें एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर हो, जिसमें एक रेस्टोरेंट हो, और इसके अलावा कुछ हितग्राहियों को चयनित करके उनके यहाँ होम स्टे बनाने की योजना है, जिसमें कि जब टूरिस्ट आएंगे तो उनको एक रूरल फील मिल सके, जिसमें उनको गांव में रहने का एक अनुभव मिले। और साथ में जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको एक गाइड का पाठ्यक्रम जो है, जिसको वन सारथी के रूप में हम लोगों ने उसको विजुलाइज किया है, तो वन सारथी का उनको, तो जिससे कि वो एक गाइड और साथ ही साथ जो उनके यहाँ जो गेस्ट आएंगे होम स्टे में रहने वाले, उनका जो एक जो आवभगत होती है उसमें उनका, अगर उनको हम रोप इन कर सकेंगे तो उससे वहाँ के जो यूथ हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा। सिर्फ बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाए और वहाँ का जो इकोलॉजी है, क्योंकि वहाँ की इकोलॉजी भी थोड़ी फ्रेजाइल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वो टूरिस्ट के भार के तहत वहाँ की इकोलॉजी को नुकसान हो। भले ही लिमिटेड लोग आए लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो कि एक वो देवगढ़ को एक्सपीरियंस कर सकें। वही प्रसिद्ध शिल्पकार रोहित रूसिया बताते हैं कि देवगढ़ की प्राचीन बावड़ियों को हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के कपड़े तैयार कर हम देश दुनिया में भेज रहे हैं, जिस देवगढ़ की प्रसिद्ध बावड़ियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी है और इसके ही साथ देवगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। छिंदवाड़ा में पर्यटन को लेकर थोड़ा सा और काम करने की आवश्यकता है, ताकि हिंदुस्तान भर के और विदेशों के पर्यटक छिंदवाड़ा की इन ऐतिहासिक धरोहरों को देखें, समझें, जानें और छिंदवाड़ा के आसपास जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनका भी मुआयना करें। साथ ही यहाँ की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, गोंडवाना जो शासक यहाँ रहे हैं उनके इतिहास के बारे में भी पर्यटक समझ सकें। तो पर्यटन की दृष्टि से मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है देवगढ़ और पातालकोट, और यहाँ के जो आसपास प्राकृतिक जो झरने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छिंदवाड़ा में अभी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। देवगढ़ का इतिहास काफ़ी पुराना है। हालांकि इतने पुराने किले की ओर काफ़ी देर से ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जिले में पातालकोट की ही तरह देवगढ़ को भी जल्द ही पहचान मिलेगी, क्योंकि देवगढ़ में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। अजय द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, छिंदवाड़ा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।